नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब अन्य राज्यों में अपनाई जाएगी दीदी की रसोई योजना। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी वाराणसी से हावड़ा के बीच हाई स्पीड ट्रेन। टीआरई बोर्ड एग्जाम के परिणाम को लेकर बीपीएससी और नीतीश सरकार से जवाब तलब। गर्मी से बेचैन लोगों के लिए राहत की खबर। हरिद्वार में दी गई पायलट बाबा को भू समाधि। और मुख्य कोच गौतम गंभीर को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन भर्ती की अधिसूचना जारी। 1130 पदों के लिए 31 अगस्त से करें आवेदन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल फायर के 1130 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होनी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 30 सितंबर रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। साथ ही आपकी आयु 30 सितंबर 2024 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन के दौरान निर्धारित शुल्क ₹100 का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। हालांकि एससी एसटी और ईएसएम वर्गों के उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए शुल्क नहीं भरना है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी अधिसूचना को देख सकते हैं। अब अन्य राज्यों में भी अपनाई जाएगी दीदी की रसोई योजना। एक ऐसी पहल जो बिहार में ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल रही है और अब अन्य राज्य भी इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दीदी की रसोई की, जो 2018 से बिहार के 38 जिलों में चल रही है। इस योजना के तहत 2000 से अधिक महिला उद्यमियों को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। दीदी की रसोई के अंतर्गत अस्पताल, स्कूल बैग और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कैंटीन संचालित की जाती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता है और साथ ही आम लोगों को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस सफल मॉडल को देखकर अब अन्य राज्य भी इसे अपनाने के लिए उत्सुक हैं। छपरा में 30 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 30 अगस्त को अवर प्रादेशिक नियोजालय छपरा कार्यालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। 10वीं, 12वीं और ITI पास युवा इसमें भाग ले सकते हैं। कैंप में भाग लेने से पहले अभ्यर्थियों को अपना CV, सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ की मूल कॉपी लेकर आना है। इसके साथ ही इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले आवेदकों के लिए नियोजालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल www.ncs.gov.in पर अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कटिहार के बारे में। कटिहार बिहार का एक जिला है। इसका मुख्यालय कटिहार ही है। कटिहार अपने प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कटिहार जा सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। गोगा झील, काली मंदिर, बागी मठ, रामकृष्ण मिशन आश्रम, बाबा गोरखनाथ धाम, ध्रुव कुंदू चिल्ड्रेन पार्क कटिहार, सरोदय आश्रम, आप चाहे तो इन जगहों को कटिहार में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिहार में बंद पड़े 100 से अधिक सिनेमा घर फिर से किए जाएंगे चालू। राज्य सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत बंद 100 सिनेमा घरों को फिर से जीवित किया जाएगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत सरकार बंद सिनेमा घरों के तकनीकी उन्नयन और उसके पुनः संचालन के लिए अनुदान प्रदान करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि सिनेमा आम जनता मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बदलती तकनीक के साथ कई पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर या बंद हो गए हैं या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना उन सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सिनेमा प्रेमियों के लिए एक नई उमंग लेकर आएगी। टीआरई वन एग्जाम के परिणाम को लेकर बीपीएससी और नीतीश सरकार से जवाब तलब।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई TRI-1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए BPSC एवं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने विजय शंकर तिवारी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट में बताया कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में EWS सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बारिश के मौसम में ऐसे करें पशुओं की देखभाल। बरसात में कभी धूप तो कभी बारिश तो कभी ठनका गिरना आम बात होता है। ऐसे में जो बेजुबान पशु होते हैं उनकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। पशुओं के बचाव के लिए हमें पशुओं को पशु शेड में रखना चाहिए। ऊर्जा संचालित यंत्रों से पशुओं को दूर रखना चाहिए। धातु से बने कृषि यंत्र डंडा आदि से पशुओं को दूर कर देना चाहिए। आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पशु की चिकित्सा के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। स्थानीय रेडियो एवं अन्य संचार संसाधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। वज्रपात के दौरान पशुओं को किसी एकल ऊंचे वृक्ष के नीचे नहीं बांधना चाहिए। ऊंचे स्थान पर खासकर पहाड़ों पर पशु के खाने और पानी के लिए धातु निर्मित नाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। तालाब और जलाशय के समीप पशुओं को न ले जाएं। बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से पशुओं को बचाएं और बिजली के उपकरणों को बिजली के पर्क से हटा दें। साथ ही बिजली और टेलीफोन के खंभों के पीछे पशुओं को नहीं बांधे। ये जानकारी IPRD के द्वारा दी गई है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी वाराणसी से हावड़ा के बीच हाई स्पीड ट्रेन। वाराणसी से हावड़ा वाया पटना 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त महाप्रबंधक ने पटना कलेक्ट्रेट में बीते दिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में जानकारी दी। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 799.293 किलोमीटर होगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 18 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें 13 प्रस्तावित स्टेशन होंगे, जिनमें बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद और गया शामिल है। पटना जिले के 5 अंचलों दानापुर, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मसौढ़ी और विक्रम से भी यह रेल कॉरिडोर गुजरेगा। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड को सौंप दी है। व्हाट्सएप पर आपकी मर्जी के बगैर नहीं डाउनलोड होंगे फोटो वीडियो, जानिए कैसे। अगर आप व्हाट्सएप ऑटोमेटिक वीडियो या फोटो डाउनलोड होने की परेशानी से तंग हैं और इसे बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ सेटिंग फॉलो करनी होगी। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें, इसके बाद 3 डॉट्स पर टैप करें और सेटिंग में जाएं। अब चैट्स पर टैप करें। यहाँ चैट सेटिंग के अंदर मीडिया विजिबिलिटी ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑफ कर देना है। मीडिया विजिबिलिटी बंद होने के बाद अपने आप कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं होगी। अब बारी आती है किसी स्पेसिफिक चैट या ग्रुप से मीडिया विजिबिलिटी बंद करने की, तो इसके लिए उस व्यक्तिगत चैट या ग्रुप खोलें जहां इसे बंद करना चाहते हैं। राइट कॉर्नर में 3 डॉट और फिर व्यू कॉन्टेक्ट पर क्लिक करें। या नोटिफिकेशन के नीचे मीडिया विजिबिलिटी क्लिक करें, इसके बाद ओके पर टैप करें। ऐसा करने के बाद किसी स्पेसिफिक चैट या ग्रुप में आने वाले वीडियो और फोटो गैलरी में सेव नहीं होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अभी तक आयोग को 250 पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन कई विभागों से रिक्तियों के आवेदन अभी भी आना बाकी है। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को फिर से पत्र लिखा है ताकि सभी विभागों की रिक्तियां की जानकारी एक साथ प्राप्त की जा सके। इस प्रक्रिया में विलम्ब के कारण आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन विज्ञापन की देर से संभावित परीक्षा की तारीखों में बदलाव हो सकता है। विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को आवेदन के लिए कम से कम 1 माह का समय लगेगा और उसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा।
परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। पटना में 1 सितंबर से नहीं चलेंगी डीजल बसें। पटना में 1 सितंबर से डीजल चालित बसों और मिनी बसों की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। यह आदेश पटना नगर निगम क्षेत्र दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में लागू होगा। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली स्कूल बसें भी इस नियम के दायरे में आ जाएंगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों और बस संघों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में यह तय किया गया है कि डीजल चालित बसों को केवल उन क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा जो पटना नगर निगम और अन्य नगर परिषद क्षेत्रों के अधिसूचित मार्गों से अलग है। हालांकि वे वाहन जिनके पास वैध परमिट है और जो शहरी क्षेत्रों से गुजरते हैं या बस स्टैंड पर केवल यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें इस आदेश से छूट दी गई है। 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्य सचिव के रेस में कई नाम। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार 4 नामों पर संशय बना हुआ है, जिनमें चैतन्य प्रसाद के अलावा के पाठक, प्रत्यय अमृत, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, दीपक कुमार सिंह का नाम है। बता दें चैतन्य प्रसाद 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, वर्तमान में विकास आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं प्रत्यय अमृत 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। के पाठक 1990 बैच के अफसर हैं और वर्तमान में रेनू ऑफ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ सदस्य हैं। बिपार्ट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार निभा रहे हैं। वही के पाठक 1990 बैच के अफसर हैं और वर्तमान में रेवेन्यू ऑफ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ सदस्य हैं। बिपार्ट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार निभा रहे हैं। वही डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव भी हैं। इनमें से आपके पसंदीदा अधिकारी कौन है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरिद्वार में दी गई पायलट बाबा को भू समाधि। श्री पंच दस नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बीते दिन कनखल के पायलट बाबा आश्रम में भू समाधि दी गई। महायोगी पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए संतों के अलावा विश्व के कई देशों के भक्त, विभिन्न अखाड़ों के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर श्री महंत, विभिन्न दलों के नेता, बड़े उद्योगपति और कारोबारी पहुंचे थे। आपको बता दें पायलट बाबा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम कपिल सिंह था। बाबा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनका भारतीय वायुसेना में चयन हुआ। स्टेशन से ट्रेन खुलने के कुछ मिनट पहले ऐसे बुक करें टिकट। भारतीय रेलवे इस तरह की स्थिति में तत्काल ट्रेन टिकट प्रदान करता है। इसके अलावा आप ट्रेन के रवाना होने के 5 मिनट पहले आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। आप IRCTC के वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं। बस ट्रेन का नाम, नंबर, तारीख और जिस स्टेशन पर आप चढ़ना चाहते हैं उसे टाइप करें। उसके बाद गेट ट्रेन चार्ट टाइप करें। इससे आपको फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार और स्लीपर जैसी श्रेणियों में उपलब्ध सीटों की सूची मिल जाएगी। लिस्ट में जो सीट आपको खाली नजर आएंगी उसे बुक कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से ट्रेन के शुरुआती स्टेशन पर चढ़ने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी है। पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण नीति का अधिसूचना प्रारूप तैयार। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति को लेकर एक नया अधिसूचना प्रारूप तैयार किया है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कोई भी पुलिसकर्मी अब अपने गृह जिले या क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं प्राप्त कर सकेगा।
बता दें, ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट सभी जिलों के आईजी और डीआईजी को भेजा गया है और उनकी राय मांगी गई है। इसके साथ ही सभी जिला एसपी को निर्देशित किया गया है कि वे पुलिस सभा बुलाकर पुलिसकर्मियों से इस नई पॉलिसी के बारे में सुझाव प्राप्त करें। बता दें, पुलिसकर्मियों को ड्राफ्ट की सभी बातें विस्तार से समझाई जाएंगी और उन्हें अपनी प्रतिक्रियाएं देने का पूरा मौका मिलेगा। सभी आईजी और डीआईजी को 4 हफ्तों के अंदर अपने सुझाव पुलिस मुख्यालय को भेजने होंगे। इन सुझावों के आधार पर नई ट्रांसफर पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। गर्मी से बेचैन लोगों के लिए राहत की खबर। उत्तर बिहार में उमस और चिपचिपाहट वाली गर्मी से बेचैन लोगों के लिए राहत की खबर है। मुजफ्फरपुर के साथ समस्तीपुर और दरभंगा में आज अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इस अवधि में आसमान से हल्की और मध्यम बादल छाए रहेंगे, वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त तक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बेतिया जीएनएम कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड, छात्राओं ने अश्लीलता का लगाया था आरोप। पश्चिम चंपारण के बेतिया जीएनएम कॉलेज में उत्पन्न विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रभारी प्राचार्य मनीष जायसवाल पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। बता दें, पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से त्वरित और समुचित कार्रवाई की मांग की। डीएम के अनुरोध के बाद अपर मुख्य सचिव ने बीते दिन मनीष जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विधिसम्मत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बेगूसराय पुलिस ने 100 लीटर देसी शराब के कच्चा माल किया बरामद। बिहार की बेगूसराय पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 100 लीटर देसी शराब के रॉ मटेरियल को बरामद किया है। पुलिस ने शराब के रॉ मटेरियल कांवर झील परिक्षेत्र से बरामद किया है। सारे मटेरियल प्लास्टिक के गैलन में बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके पर सभी शराब को नष्ट कर दिया। इस मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी रौली कुमारी ने जानती है। जमालपुर रेल कारखाने में होगा चारों शहरों में चलने वाली मेट्रो रेल का निर्माण। बिहार के 4 प्रमुख शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है और ये मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से बिहार में निर्मित होगी। बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में किया जाएगा। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो पटना मेट्रो के मेंटेनेंस का काम भी जमालपुर रेल कारखाने को सौंपा जा सकता है। मेंस कांग्रेस रेल यूनियन के प्रभारी सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि जमालपुर रेल कारखाने का इतिहास जितना गौरवशाली है, इसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल दिख रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल को कहा अलविदा। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बीते दिन अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक ने इस्तीफा पत्र में आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस इस्तीफे से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी पारा और भी गर्मा दिया। श्याम रजक के इस्तीफे के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि वे शायद जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि श्याम रजक आरजेडी में आने से पहले नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री थे। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी का जवाबी हमला, 15 साल पहले की नहीं आज की बात करे सरकार। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर ताजा राजनीतिक सरगर्मियों के बीच विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि 15 साल पुरानी बातों की बजाय वर्तमान समय की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि राज्य में अपराध की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और लोग घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, तेजस्वी का ये बयान तब आया जब नीतीश कुमार और उनकी सरकार अक्सर पिछली सरकारों के जंगल राज की याद दिला रही है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी का महिलाओं के उत्थान पर ध्यान, 25 को बैठक, हजारों महिलाएं होंगी शामिल। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2025 को अपनी नई पार्टी के गठन की घोषणा की है। इस नई पार्टी की तैयारियों के तहत आगामी 25 अगस्त को पटना के बापू सभागार में महिलाओं के लिए एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बैठक में 15 से 20 हजार महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशांत किशोर इस बैठक में मुख्य वक्ता होंगे और वे महिलाओं के उत्थान के लिए पार्टी की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे महिलाओं से सीधी बातचीत भी करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। इस बैठक के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाने वाले हैं। उनकी योजना ये है कि वे शराबबंदी के मुद्दे पर अपनी पार्टी की स्पष्ट स्थिति और योजनाओं को पेश करें। मुख्य कोच गौतम गंभीर को लेकर रविचंद्रन अश्विनी ने कही ये बात। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के बाद ब्रेक पर है और अब बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज के लिए टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पूरी तरह से तैयार हैं। खास बात यह है कि इस बार अश्विन को नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में खेलना होगा। गौतम गंभीर जिन्हें अश्विन भारतीय क्रिकेट का हीरो मानते हैं, उनके साथ अश्विन का एक लंबा और समृद्ध क्रिकेट संबंध रहा है। अश्विन ने गौतम गंभीर के बारे में कहा कि वे एक बेहद सीधे और ईमानदार व्यक्ति हैं जिनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1947 में वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश महिला आयोग में 16 सदस्यों को नामित किया था। आज ही के दिन 2012 में राजस्थान में भारी बारिश से 30 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1968 में प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक केके का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1944 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1918 में भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक अन्ना मणि का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1902 में भारतीय रिजर्व बैंक के 6ठे गवर्नर HBR आयंकर का जन्म हुआ था। ईडी और सेबी को लेकर बिहार कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। बिहार कांग्रेस कमेटी ने बीते दिन पटना के गांधी मैदान से ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं ने JPC की मांग की और सेबी के अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग की है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सेबी चेयरमैन का जो रोल है संदेह के घेरे में है। जो 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनी के माध्यम से अडानी की कंपनी में गया है उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1504, ऑप्शन बी है 1540 और ऑप्शन सी है 1580 और ऑप्शन डी है 1600। इसका सही आंसर होगा 1580। बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही आंसर होगा बोधगया। MSME मंत्रालय ने किस देश के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुमन शर्मा, ऑप्शन बी है प्रीति सुदान, ऑप्शन सी है प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन डी है राजीव नयन। इसका सही आंसर होगा प्रीति सुदान। हाल ही में खबरों में रही ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कम मांग वाले मौसम में बाजार की कीमतों को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी है वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की कीमतों को कम करना, ऑप्शन डी है खाद्यान्न की खपत को कम करना। इसका सही आंसर होगा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कम मांग वाले मौसम में बाजार की कीमतों को नियंत्रित करना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अब्दुल मनान, रंजीत मिश्रा, गुणर शर्मा, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, जीतू कुमार गिरी, कृष्णा प्रसाद, मुन्ना प्रसाद,
बलराम मंडल, मोतीलाल कुमार, बिरजू कुमार, रवि कुमार राम, सपना कुमारी, विनय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको बिहार का कौन सा व्यंजन सबसे अच्छा लगता है और क्यों? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।